नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मंत्री जी रोहतास और कैमूर के वादियों में घूम रहे हैं। वहां के तीर्थस्थलों को, वहां के जलप्रपातों को और वहां के वैसे मुख्य जगहों को वो विजिट कर रहे हैं जहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इसी क्रम में आज मंत्री जी रोहतास जिले में ठहरे हुए थे। रोहतास जिले के गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मेडिकल कैंपस में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आइए सुनते हैं मंत्री जी ने क्या कहा, क्या स्कोप उन्होंने उनके विजन में है कि किस तरह से बिहार के रोहतास जिले को इको टूरिज्म के माध्यम से संवारा जाए। आइए सुनते हैं मंत्री जी को। आज के वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष और सभी हमारे प्रेस के साथी और हमारे एनडीए के जितने भी हमारे नेता हैं सबका स्वागत है। आपको डीएफओ साहब ने विस्तार से बताया कि इको टूरिज्म की क्या संभावनाएं यहाँ पे है और क्या क्या हमारे पास है अवस्थित। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आजादी का 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और इसी के तहत हम लोग लगातार हमने पूरा इको टूरिज्म एरिया जो भी हमारे राज्य में है उसको भ्रमण करने का संकल्प लिया है। तमाम जगहों पर जाकर के उसको हम लोग किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इसी अभियान के तहत हम लोग निकले हुए। दो दिन हमने कैमूर का भी काटा है, कैमूर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया, वहाँ जो भी दिशा निर्देश देना था हमने वहां दिया और आपके यहाँ अभी आए हुए हैं। अभी यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग दुर्गा भवानी के लिए और फिर वहां से जो भी किला है रोहतासगढ़ का किला और जो भी जितने फॉल्स है कोशिश करेंगे आज से कल तक, कल भी कोशिश करेंगे कुछ जगहों पे जाने का, जितने जगह जा पाए उनको देख करके उसको पूरी तरह विकसित करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश रहा है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पूरी तरह काम किया जाए, जहाँ भी जो संभावनाएं हैं इसको बढ़ावा देने के लिए और उन जगहों को हम लोग चिन्हित करने जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टूरिज्म में बहुत बड़ा स्कोप है। स्थानीय लोगों को रोजगार भी उससे मिलेगा और टूरिज्म साइड भी बढ़ेगा हमारा। जो फॉरेस्ट के आसपास जनजाति बसे हुए हैं उनका भी ख्याल रखते हुए हम लोग उनकी भी हित का काम करेंगे। जो इको टूरिज्म जोन है, जो फॉरेस्ट का जोन हमारा है, फॉरेस्ट के इर्द-गिर्द जो भी हमारा इनकम होगा फॉरेस्ट से उसका 20% हम लोगों ने तय किया है कि जो वहाँ के जनजाति हैं उनके डेवलपमेंट में, उनके विकास में लगाया जाएगा, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके खेल कूद में जो भी उनकी आवश्यकता होगी हम लोग वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था करेंगे। जब हम कैमूर का भ्रमण कर रहे थे तो कई जगह स्थानीय लोगों ने कई तरह की समस्याएं रखी, जैसे कि डैम का भी है, दुर्गावती डैम के पास भी मछली मारने के लिए और वहाँ फॉरेस्ट से लोगों को दूर रखा जाता है। तो हमने लोगों को बताया, यहाँ भी हम बताना चाहते हैं कि फॉरेस्ट आम लोगों का मित्र है, दुश्मन नहीं है। ये डिपार्टमेंट से लोगों को हम जोड़ने के लिए आया है, दूर करने के लिए नहीं आया है। लोग फॉरेस्ट से जुड़े, लोग पर्यावरण से जुड़े, लोग पेड़ से जुड़े, लोग पेड़ को बचाए, पेड़ को ना काटे और इस फॉरेस्ट से लोगों को जो भी फायदा चाहिए, जो भी फायदा हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे कि वो फायदा उन्हें पहुंचाया जाए, उनको कोई तकलीफ नहीं हो, उनका सहभागिता फॉरेस्ट के साथ हो स्थानीय लोगों का, ये हमारा प्रयास है। जैसे ही इको टूरिज्म डेवलप होगा हमारे यहाँ निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। अब हम लोग प्रायोरिटी के तौर पर भी स्थानीय लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, उनको रोजगार मुहैया करने का काम करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिससे फॉरेस्ट से लोगों को फायदा हो सकता है। हमने गया में भी कई जगह चालू कराया, जैसे कि मुनगा का पत्ता होता है, मुनगे के पत्ते से दस्त बनता है, वो पाउडर के रूप में पैक होकर के मार्केट में आ गया है, जिससे कई बीमारी का इलाज हो रहा है। जो जंगली बैर होता है, जो हमारे यहाँ जंगली बैर होता है, जंगली बैर में कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है, तो स्थानीय लोगों ने जंगली बैर का अचार बना करके पैक करके मार्केट में दिया और काफी तेजी से वो मार्केट में निकल भी गया और उसका डिमांड भी अभी भी डिमांड है, क्योंकि कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि कैल्शियम की कमी हो जाती थी, उसको ढूंढने के लिए तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करते, तो
तो उस मैर का काफी अच्छा इम्पैक्ट रहा है और हनी है जो वाइल्ड हनी के रूप में अरण्य के नाम से मार्केट में आया हुआ है, अरण्य हनी वो काफी पूरी तरह शुद्ध है, इसलिए शुद्ध है उसकी गारंटी हम लोग इसलिए दे सकते हैं कि डिपार्टमेंट कोई व्यापार नहीं करती, स्थानीय लोगों को जोड़ करके स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम किए और स्थानीय लोग पूरा शुद्ध हनी डिपार्टमेंट को देता है और वो हम लोग रेट टू रेट थोड़ा सा हमको लगता है कि उसका मार्जिन रख के हम लोग मार्केट में निकलवा देते हैं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए और लोगों तक शुद्ध चीजें मिल जाए। तो जो जंगल से फायदा हो सकता है, जो जंगली चीजें नुकसान हो जाती है, उन चीजों का हम लोग उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को उससे जोड़कर रखना चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को उसका बड़ा फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और जब स्थानीय लोगों को जंगल से लाभ मिलना शुरू होगा वो जंगल को नष्ट नहीं करेंगे, हमें भरोसा है। क्योंकि कई जगह से शिकायतें आती रहती है कि जो स्थानीय लोग हैं जंगल में जो लोग बसे हुए हैं वो जंगल को क्षति पहुंचाते हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से केस मुकदमा हो जाता है, फिर वो दे जाते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर वही काम करते हैं। तो हमने ऐसे लोगों के लिए ये योजनाएं का लाभ देने का प्रयास किया है कि लोगों को हम लोग जंगल से जोड़ेंगे, जो भी संभावनाएं होगी हमारे पास कुछ भी काम होगा जंगल से जुड़ा हुआ उससे उनको जोड़ के रखेंगे ताकि वो जंगल से प्रेम करे, जंगल का नुकसान नहीं पहुंचाए, यही हम लोग का प्रयास है। और दूसरा इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, इको टूरिज्म जैसे ही हमारा बढ़ेगा टूरिस्ट हमारे पास आएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा, इलाके का विकास होगा और हमारा प्रयास है कि सिर्फ राज्य भर के लोग हमारे यहाँ नहीं है, इस जोन में खास करके शाहबाद, तैमूर और अपना सासाराम में इतना ज्यादा स्कोप है कि देश ही नहीं दुनिया भर से सैलानी हमारे यहाँ आएंगे। हम उसकी ऐसी व्यवस्था भी करेंगे और हम आप लोगों से भी सहयोग चाहेंगे कि टाइम टू टाइम इसको प्रचारित अगर आप करें तो मुझे लगता है कि देश ने दुनिया भर से धोबी आता है। वन विभाग के सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है, इसलिए नहीं है कि वन विभाग में कई तरह के रोक रहते हैं कि कौन सा सड़क बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, क्या मटेरियल यूज करना है। सिर्फ फॉरेस्ट लॉ जो है स्टेट से नहीं चलता, फॉरेस्ट लॉ सेंट्रल से भी चलता है, जिसके कठिनाई की वजह से कुछ काम में डिस्टर्बेंस होती है, कुछ चीजें जो मन के लायक आपका होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, फिर भी हम लोग सड़कों को मोर ड्रेवल रखने का प्रयास जरूर करें। आपकी सड़क है जी वो एन एच एक्चुअली नोटिफाइड रोड है, उसमें डिस्प्यूट 2013 से ही चलता है, जो नीचे वाली रोड है अकबरपुर से यदुनाथपुर तक नीचे वाली रोड है वो एन एच नोटिफाइड रोड है, जो फॉरेस्ट की मुड़े वाले नोटिफाइड नहीं है। उन्होंने कहा इस तरह की कठिनाई है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे, हम लोग स्थानीय लोगों से भी समस्याएं ले रहे हैं, जो समस्याएं आएगी उस पर हम लोग काम करेंगे कि समस्या का समाधान करना है, चाहे कैसे करना है वो हम लोग बैठ के बात करेंगे, यहाँ से परमिशन लेना है, सेंट्रल से परमिशन लेना है, काम हम लोग करेंगे। आप लोग निश्चित रहें कि हम लोग को दूसरा कोई काम नहीं, अभी फॉरेस्ट में हमको इंडिविजुअल मिला हुआ है तो हम लोग पूरी तरह फॉरेस्ट के सारे चीजों को दुरुस्त करेंगे, स्थानीय लोगों के समस्या का समाधान करेंगे, जो भी सर्वे टूटी फूटी है प्रयास हमारा जरूर रहेगा कि हम जल्द से जल्द उसे बनवा दें और जो हमारे पास प्लेस है जैसे हम लोग अभी जाएंगे वहाँ जो हॉल उस हॉल में और बेहतर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं वहाँ रहने की, वहाँ जाने की, उस हॉल को अच्छे से वहाँ पर लोग फील कर पाए, मतलब एंजॉय कर पाए, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, इन तमाम चीजों को विजिट करने हम अभी जाएंगे तो आपको और फिर कल भी विजिट कर सकते हैं। वन विभाग जैसे एक प्रशिक्षण इसलिए मैंने पहले कह दिया, मैंने इसलिए पहले कह दिया है कि वन विभाग नहीं है, जो स्थानीय लोग हैं आम जन है सबको हम लोग प्रेमी बनेंगे, वन विभाग आम लोगों का मित्र होगा।
होगा मुसीबत नहीं होगा। अभी तक जो धारणा बनी हुई है कि वन विभाग का बदमाश होते हैं, उनका काम है केस मुकदमा होते रहते हैं, इन सब चीजों को हम सॉल्व करेंगे, आम लोगों से जोड़ेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। वन वन जो है वो आपका मित्र है, सबसे पहला मित्र फॉरेस्ट जनरल है, क्योंकि पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए ये पेड़ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप तमाम लोगों से हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ प्लांटेशन भी कर रहे हैं, लोगों को भी रिक्वेस्ट करें प्लांटेशन करें और आम जन से करें कि जो प्लांट हमारा लगा हुआ उसका नुकसान नहीं पहुंचा रहे उसको बचाए। होता क्या है कि पहले लोग पेड़ काटते करते थे नाप में तनिक के लिए पत्ते तोड़ लिए जो काम में नहीं है, कई जगह चोरी की वजह से पत्ते भी नहीं तोड़ सकते, तो लोग कुछ न कुछ करते रहते थे, तो उसमें परिवार संघ हो गया, संघ हो गया, केस मुकदमा होना शुरू हो, जैसे दुनिया भर की, तो इन दुनियों को हम कम करने का प्रयास करेंगे। आम लोगों को फॉरेस्ट से जोड़ेंगे, ये हमारा पहला प्रयास रहेगा और आम जन से ये हमारा आग्रह रहेगा कि भाई फॉरेस्ट आपका है, आपके लिए, इसे बचाना आपका कर्तव्य है, ये हमारा उद्देश्य है। इन चीजों से जोड़ेंगे उसको दूर नहीं करेंगे, फॉरेस्ट का फायदा भी मिलेगा, उसका लाभ भी मिलेगा। सर 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 अभी घोषणा हुआ, हम घोषणा होने के बाद क्या हुआ कि ना हमारे पास हैंडओवर हुआ है और ना वो काम करते हैं, उन्होंने काम छोड़ दिया होगा। जो पार्क परिवार के हैंडओवर है, आप उन पार्कों को देखेंगे तो लगेगा नहीं कि आप बिहार में, आप पटना के कई पार्कों को देखें, इको पार्क देखें, जो भी परिवार का काम होता है वो बिल्कुल बेहतर होता है जब परिवार उसे हैंडओवर करेगा। और फाइनली जब हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे बनने के बाद, तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे, इसी क्वेश्चन के जवाब तब आपको मिलेगा कि कितना बेहतर काम परिवार करता है। अभी हम 10 दिन पहले पटना में राजेंद्र नगर में एक पार्क का उद्घाटन किए, जो पूरी तरह जंगल था, पूरी तरह जानवरों के बैठने का घूमने का जगह था, और इतना बेहतर वो पार्क बना हुआ है कि पूरे इलाके के लोग वहीं आके शाम को बैठते हैं। तो जो भी पार्क हमें मिला है बिहार में, वो सारा पार्क इतना बेहतर होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तमाम सुविधाएं उस पार्क में हम लोग देंगे, पहले तो बेहतर खूबसूरत पार्क होगा, वहाँ जो भी विशेष सुविधाएं हो सकती है आमजन के लिए वो सुविधाएं दी जाएगी, जो वहाँ शौचालय की सुविधा है वो भी पार्क हम लोग देंगे, और मैक्सिमम पार्क में जो बिहार में हमारे पास नहीं है फाउंटेन वगैरह झरना म्यूजिकल फाउंटेन, ये तमाम चीजें हम लोग स्पेस के हिसाब से तय कर रहे हैं। पटना में हमने कई जगह तय किया है कि जो म्यूजिकल फाउंटेन हमारे राज्य में बेहतर कहीं नहीं है, उन सब चीजों को लाइट एंड साउंड शो वो सब चीज हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ भी हमें कोई बड़ा एरिया मिलेगा, बेहतर जगह मिलेगा, तो म्यूजिकल फाउंटेन, लाइट एंड शो, ये तमाम चीजें जो इंटरनेशनल मार्केट में चीजें होती है टूरिस्ट प्लेस पे, वो तमाम चीज हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे बिहार में हो, ये हम लोग का प्रयास है। ऐसा हो नहीं सकता है, परिवार हैंड ओवर नहीं है, हैंड ओवर की हैंड ओवर का कुछ प्रोसेस होता है, कुछ पेपर सोचते हैं, जो सारे तमाम चीजें जब हो जाएगी तो फिर हैंड ओवर लेकर के और फिर उसपे सीमेंट बनेगा, उसके बाद काम शुरू होगा, थोड़ा वक्त लगेगा और वक्त लगने के बाद आपको लगेगा नहीं बहुत ही बेहतर काम बनवा किया है, आप बनवा को थैंक जरूर देंगे। सर 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 अभी आप सासाराम से होकर आए होंगे, चौड़ीकरण में सर लगभग 1000 पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया है, वन विभाग उसकी भरपाई कैसे करेगा सर, क्योंकि वो उतने पेड़ों को काटने के बाद शहर के तापमान पर अचानक से असर पड़ेगा। ठीक बताया, देखिए डेवलपमेंट का काम जो है वो नहीं रुक सकता, आप भी कहेंगे कि सड़कें नहीं बन रही है, सड़कें चौड़ी नहीं हो रही है, बिल्डिंग नहीं बन रहा है, तो अगर सड़कें चौड़ी करनी है, बिल्डिंग बनाने हैं, तो पेड़ को हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा। आप पटना में देखे होंगे कि कई जगह बड़े बड़े पेड़ को शिफ्ट किया गया और उसका ट्रायल लिया गया, बड़े जो पुराने पेड़ है 200 साल पुराने पेड़ को शिफ्ट करने का कोशिश किया गया, बट कुछ सक्सेस हुए कुछ सक्सेस नहीं हुई, तो यहाँ भी हम लोग का ये ट्रायल चलेगा कि अगर हम लोग शिफ्ट कर पा रहे हैं तो शिफ्ट हो जाएगा, जो शिफ्टिंग के लायक है, जो शिफ्टिंग के लायक नहीं है, अगर हम 100 पेड़ काटेंगे तो हम वहाँ 300 पेड़ लगाएंगे, 3 गुना पेड़ लगाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहे, जितना भी पेड़ कटेगा उसका 3 गुना पेड़ हम लोग जरूर लगाएंगे।